हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आज की इस फ्रेश वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपनी वीडियो के अंदर कलर करेक्शन कैसे करोगे काइन मास्टर की एंड्रॉइड एप्लीकेशन के ऊपर। अगर आपकी वीडियो के अंदर आपको बहुत ज्यादा लाइट नहीं मिलती है, आपको जो है कलर उतने अच्छे ब्राइट नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पे कलर करेक्शन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे काइन मास्टर के अंदर आपको कलर करेक्शन के अंदर कौन कौन सी ऑप्शन मिलती है, कैसे आप बेटर कलर्स अपनी वीडियो के अंदर ला सकते हो, इसी के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ काइन मास्टर के अंदर और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपनी वीडियो के अंदर कलर करेक्शन को कैसे करोगे। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। तो दोस्तों, यहाँ पे कलर करेक्शन अगर आप किसी भी वीडियो के अंदर करना चाहते हो तो सिंपली उसके ऊपर जो है आपको क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आपको नीचे स्क्रॉल करना है और ऑप्शन आपको मिलेगी एडजस्टमेंट की। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस आपको दी जाती है जिनके अंदर आप कलर करेक्शन को कर सकते हो। तो आपको जो है वीडियो देख लेना है आपको कितनी ब्राइटनेस अपनी वीडियो के अंदर चाहिए, तो यहाँ पे जो है आप ब्राइटनेस को इनक्रीज कर दो। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको कंट्रास्ट भी यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे उतनी अच्छी आपको क्वालिटी नहीं मिलती है एडजस्टमेंट के अंदर, लेकिन यहाँ पे जो है आप कलर को एडजस्ट कर सकते हो। तो आपको देखना है कि आपको कलर कहाँ पे जो है सबसे बेहतर मिल रहा है, उस कलर के ऊपर जो है आपको लेकर चले जाना है इन बार्स को। तो यहाँ पे जो है मुझे ये कलर थोड़ा ठीक लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको सैचुरेशन की भी एक ऑप्शन मिलती है, आपको कई बार कम करना पड़ सकता है जो कलर, जितना कलर आपको चाहिए उतना आप रख सकते हो। ज़्यादा करना चाहो तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन मुझे जो है इस वीडियो के अंदर इतना ज़्यादा ब्राइट कलर नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो है मैं इसको -20 तक लेकर चला गया। अब मेरे को लग रहा है कि काफ़ी अच्छा ये हो चुका है। तो वीडियो को जो एक बार नॉर्मल देख लेते हैं और यहाँ पे हमारी कलर करेक्शन वीडियो के अंदर आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आप क्रोमा की को कैसे यूज करोगे काइन मास्टर के अंदर। अगर तो यहाँ पे जो है कलर करेक्शन मेरी अच्छी हो गई है, काफ़ी अच्छी हो गई है। तो ये सारे ऑप्शन जो है आपको कलर करेक्शन के अंदर देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे जो है आपको कलर करेक्शन उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं लगती है तो यहाँ पे जो है आप कलर फिल्टर्स को भी यूज़ कर सकते हो, चाहे वो बेसिक के अंदर हो या फिर वार्म के अंदर हो, जो कलर आपको अच्छा लग जाए उसको आप यूज़ कर सकते हैं और फिल्टर के ऊपर जो है आप कलर करेक्शन को भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ चुका है कैसे जो है आप बेस्ट कलर अपनी वीडियोस के अंदर लेकर आ सकते हो, कैसे आप कलर करेक्शन करोगे, कौन कौन सी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलती है। अगर आपका इससे भी कोई और सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता सकते हो। आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे जो आपको मेरी सभी आने वाले वीडियोज की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। पर्सनली आप मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो, इंस्टाग्राम और ट्विटर के प्रॉम्प्ट पे फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है।